हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाह। कौन साहब? काशिफ बात कर रहा हूँ मैं, हाफिजाबाद से जी। काशिफ साहब, हाफिजाबाद, हाफिजाबाद सिटी से या कोई गांव है? सिटी से बात कर रहा हूँ। सिटी से जी। तो मैंने ये मशरूम के रिलेटेड ही को आपसे डिस्कस करना था कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, इसका कोई आपको कोई गाइडलाइन कोई मिल जाए या कोई आप किस तरह ये करते हैं या क्या चीज है, आपकी कोई कॉपरेशन है या आप प्रोवाइड करते हैं इनका या किस क्या सिलसिला है, यानी कि बेसिकली ये मुझे पता करना। लगता है कि आपने कोई मेरा मशरूम का प्रोग्राम देखा है यूट्यूब पे, इज इट सो? हाँ जी जी जी। और वहीं से आपने नंबर लिया? हाँ जी बिल्कुल। बात यह है कि मैं तो टेक्निकल एडवाइजरी सर्विस दे रहा हूँ किसानों के लिए, और फ्री एडवाइजरी सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हर एस्पेक्ट पे, एग्रीकल्चर के, लाइव स्टॉक पे, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फॉरेस्ट्री, उसमें मुझे तो ये लेकिन आपको मशरूम पे चुके एक मेरी ऑलरेडी एक दो पार्ट्स में ऑलरेडी एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की एक डॉक्यूमेंट्री भी है, उसमें हाँ बताया गया किस तरह, आपने वो हाँ देखी होगी? देखी है जी, हाँ जी बिल्कुल मैंने देखी, वो देखी है। तो अब हाँ ये है कि आप अगर वो करना चाह रहे हैं तो आप भले करें, लेकिन उसके लिए आपको छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं या बड़े पैमाने पे पैमाने पे करना चाहते? फिलहाल मैं स्टार्टिंग छोटे पैमाने पे, छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं। क्या आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आपने आवाज लाउड स्पीकर लगाया हुआ है? नहीं, अब स्पीकर तो कोई भी नहीं लगाया हुआ, वैसे ही मेरा ख्याल आवाज इसकी स्पीकर की थोड़ी ज्यादा फोन ज्यादा आ गई। अच्छा, तो ये है कि मेरी जान इस तरह करें कि आप कुछ छोटा सा कमरा हो जी, ठीक है, और डैम्प कंडीशंस इसको चाहिए, क्योंकि ये फंगस है जी, और जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, बहुत हाई नहीं, आपके बड़ा सुटेबल एरिया है। तो वो मैंने वो देखा था तो वो तो जो था इनके गर्मियों में 40 से 45 बिलो होना चाहिए, वो आपके लिए बेहतरीन है आपके उधर उस एरिया में, और उसमें आपने ह्यूमिडिटी वो मेंटेन रखनी है, और उसको उसके बाद आपके पास तो बहुत सारी वो पराली है, दूसरी चीजें हैं जिस पे जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके मीडियम वो मीडिया बनाते हैं जिसके ऊपर इसको ग्रो किया जाता है, और कमरे में अगर बाकायदा शेल्फ्स वगैरह बनाना चाहें तो वो तो पैसे हैं, खर्च जितना वो सारी चीजों तो है। अच्छा, कहा एक चीज मुझे और पता करनी थी, तो इसमें ये जो इसका फिर इसका जो है प्रोडक्ट की जो सेल है वो यहाँ पे कंपनीज वगैरह इसको बाय करती हैं या क्या? यही मैं आपसे बात करने लगा था ना कि आप पहले तो ये है कि इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझ लें, ठीक है जी, जी। दूसरे नंबर पे इस पे आता है स्पॉन, स्पॉन होता है या सीड जो होता है या बीज जो होता है जी, या जिस तरह दही की जाग लगाते हैं इसकी भी एक जाग सी लगती है फंगस की, ठीक है, उसको स्पॉन कहते हैं। अब ये स्पॉन कहाँ से मिलेगा? ये आपको, आप हाफिजाबाद में है तो आप बेहतर है कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाएं। सही। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चला जाऊं? हाँ, वहां पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, वहां से आपको इसका स्पॉन मिल जाएगा, ठीक है, बेहतर ये है कि उसका किसी वक्त टेलीफोन नंबर ले लें, या मैं देखता हूं अगर कोई मेरे पास टेलीफोन नंबर है तो जी मैं जी आपको दे देता हूं, तो लिखवा देंगे, तो वो आप इस तरह करें ना, वहां उनसे कांटेक्ट कर लें, और वहां पे जो भी मुतलका ऑफिसर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे आप पूछ लें कि भाई कब मैं आऊं और
किस तरह मैं ले सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, मैं अपने एक दोस्त हैं डॉक्टर शेर जी, डॉक्टर शेर मोहम्मद, शेर नहीं होता शेर लायन, जी 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 समझ गया मैं, शेर मोहम्मद, हाँ शेर मोहम्मद, डॉक्टर शेर मोहम्मद का नंबर आप लिख लें हाँ जी, और डॉक्टर साहब को मेरा सलाम भी कहें, और उन्हीं से नंबर आपने लेना है, उनको कहना है कि डॉक्टर साहब आपने, आप डॉक्टर अशरफ साहबजादा ने आपका नंबर दिया, आप मेरी रहनुमाई करें कि ये स्पॉन कहाँ से मिलेगा और इस स्पॉन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, और उनका नंबर मुझे दे दें। तो ये हाँ मेरा सलाम दें उनको। जीरो ये कौन सा वाला दूं, चले कोई भी दे दें, या दो अगर हैं दो दे दें बस, सम टाइम एक बंद होता है नंबर, तो आप दोनों लिखवा दें कि दो है। हाँ मेरे पास जो है ना उनका 041 041 ये फैसलाबाद का नंबर है जी जी हाँ जी, और 920 920 12 12 03 03 ठीक है, और इसी तरह एक और मेरे पास लिखा हुआ है वो लिख लें 920 10 10 75 75 ठीक है, ये डॉक्टर शेर मोहम्मद है, उनसे आप जब रابطہ करेंगे ना, और उनको कहेंगे जी हॉर्टिकल्चर में या जहां से भी स्पॉन मिलेगा, पहले डॉक्टर आसिफ थे अब पता नहीं कौन है वहां पे, और उनसे स्पॉन लेन का पता कर लें, और फिर उन्हीं से बेहतर है कि आप उनको कहें कि जी मार्केटिंग का सबसे बड़ा मसला होता है सही, और मशरूम की बेहतर मार्केटिंग कहाँ होगी, वैसे तो बहुत बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं होटल्स हैं सही, वो वहां पे इसकी खपत है, जो ये पिज्जा वगैरह बनाते हैं अब तो काफी पाकिस्तान में बड़े शहरों में काफी इसका हो रहा है इस्तेमाल, और इसी तरह एक इनकी मशरूम की एक काउंसिल बनाई थी इन्होंने, और वो प्रमोट कर रहे थे कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए, तो अगर वो खरीदते हैं तो उनसे वो भी उनका नंबर पूछ लें, ना हुआ तो मैं भी मैं पता कर लूँ उनसे डिस्कस कर लें, ठीक है उनसे टाइम ले लेता हूँ, अगर वो मिल भी लेंगे तो मैं उनके पास चक्कर भी लगा लूंगा, तो वो मजीद बैठ तो वो ठीक है बिल्कुल ठीक है। और हाफिजाबाद का क्या हाल है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और राइस मुंजी कैसी जा रही है आपकी, मुंजी अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रही है शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें अपना ख्याल रखें, और आपसे बात इंशाल्लाह होती रहेगी, बहुत शुक्रिया याद रखें, आप दुआओं में याद रखें बस, ठीक है थैंक यू बहुत शुक्रिया ओके अल्लाह हाफिज़। हजरत अबू सईद और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान को जो भी थकान बीमारी फिक्र गम और तकलीफ पहुंचती है हत्ता कि कांटा भी चुभता है तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है, बुखारी और मुस्लिम। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें फ़ी अमान अल्लाह।